नमस्कार, जय सिया राम। अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आज है 2 अक्टूबर 2023 और मेरा बेटा राघवेंद्र जो भी ज़िद कर रहा था कि मुझे बरामदे में खेलना है, तो वो भी मेरे साथ आया है बाहर और मुझे यहाँ पर बिठाया है और वो खेल रहा है इधर से उधर, उधर से उधर। तो भी थोड़ी देर इसके साथ समय बिता के फिर आगे अपना काम करेंगे। तो ये है हमारी बच्छेरी नीलम। घोड़ी को अभी बाहर बांधा हुआ है। घोड़ी काफ़ी विक है, उसकी जो कंडीशन है वो, उस वजह से उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई है क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है ये। तो कुछ वो ठीक हो जाए उसके बाद उसकी भी वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो अभी सवेरे सवेरे यहाँ गांव में अभी भी ये एक अच्छा रूल है कि जितने भी जो पशुपालक हैं सभी अपनी गाय भैंस वगैरह लेकर यहाँ पर आगे एक ग्राउंड है और वहाँ पर आकर सब इकट्ठा होते हैं और बाद में जो हम जो चरवाहे होते हैं जिन्हें हम मालधारी कहते हैं यहाँ पे गुजरात में, वो आते हैं और अपने पशुओं के साथ हमारे पशुओं को भी ले जाते हैं। फिर शाम को जब वो लौटते हैं तो उनके साथ ही ये वापस आते हैं और फिर अपने अपने घर खुद ही चले जाते हैं और कुछ को उनके मालिक जो है आकर ले जाते हैं। तो ये वो ग्राउंड है, यहाँ पर अब सब आकर जो है गाय भैंस वगैरह सब खड़े रहेंगे और फिर जब वो लोग आएंगे तो उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। कुछ 10-15 या 20 मिनट में वो लोग आ जाएंगे। तो ये हमारे यहाँ इस तरीके का रूल है और ये बहुत ही अच्छा है। नमस्कार, जय सिया राम दोस्तों। मैं अभी आया हूँ खेत पे और ये हमने यहाँ पर ज्वार लगाई हुई है। ये बारिश के पानी से होती है, बारिश हो जाने के बाद फिर इसको लगाया जाता है और फिर इसे पानी देने की ज़रूरत नहीं रहती। और अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है या पानी भर जाते हैं खेतों में तब कभी इसको नुकसान होता है, अदरवाइज़ इसे कुछ थोड़ी बहुत बारिश से इसे कुछ होता नहीं है। और ये अगर 2-3 बार अच्छे से 1.5-2 इंच बारिश हो जाए उसके बाद ये इस तरक्की की हो जाती है, लेकिन इस बार भी बारिश तो बहुत हुई है लेकिन जो खेत जो वो जहाँ पानी भर जाता है उसमें नुकसान होता है, लेकिन बाकी में कुछ जहाँ पानी निकल जाता है वहाँ पर कुछ इसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है और ये कल ही हमारे यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर लगा है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी का नया कनेक्शन हमने यहाँ खेत में जो पानी देने के लिए लिया है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसका कनेक्शन शायद करना बाकी है, तो वो तो कभी भी वो आके कर जाएंगे। जब हम बोलेंगे कि अब हमें इसको यूज़ करना है तो वो आके कर देंगे। तो मैं अपनी घोड़ी के लिए ये ज्वार लेने के लिए आया हूँ। इसका जो है हम हरे चारे में तो फिलहाल यूज़ करेंगे, बाकी इसको इसकी कटाई करके फिर सूखे चारे में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। इसका टाइम पूरा होने के बाद ये धीरे धीरे पीली पड़ जाएगी और उसके बाद फिर इसको जो है फिर काट के फिर इसको सूखे चारे में यूज़ किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये काम जो लोग रोज़ करते हैं उनके लिए आसान तो नहीं है लेकिन वो कर सकते हैं। और मैंने अभी इतनी कटाई की तो मुझे दिन में अब तारे दिख रहे हैं, तो अभी इसको अब मैं इकट्ठा करके फिर घर लेकर जाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे और वीडियो देखते रहिए, बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।